बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपको शादवाबाद रखे। तो चलें जी, आज का विला करते हैं जी शुरू। अभी जी टाइम जो है शाम का है और अभी 6:49 हुआ है। तो असुर के नमाज के बाद जो है मैंने सोचा कि आज मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त है, प्यारा सा मौसम है, बादल छाए हुए थे उसी टाइम, तो आपके लिए मैंने सोचा कि कुछ बनाएं। बहुत दिन हो गए तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं, तो उस हवाले से सोचा कि आज जो है खेतें दिखाएं आपको और मौसम बिल्कुल ही ज़बरदस्त है, तो वो दिखाएं। वो देखने दिखाने के लिए मैं जैसे ही घर से निकला तो बहुत ही तूफ़ान तेज़ आया, तो मैं भागता हुआ जो है ओताक पर चला गया। और उसके बाद जो है तूफ़ान की कुछ रिकॉर्डिंग की है, वो अपने आपको दिखाएँगे। और उसके बाद जो है सोचा कि जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे तो खेतों में जाएंगे, आपके लिए बहुत से और भी बातें भी करेंगे, आपको और भी मौसम के हवाले से दिखाएंगे। तो उस हवाले से जो है मैं अभी आया हूँ गांव से थोड़ा बाहर। पीछे जो है इस तरफ ये है हमारा गांव इस साइड, तो और बहुत सी बातें भी करेंगे और आपसे आपको और भी बहुत सी अच्छी अच्छी जगह भी दिखाएँगे। और आज बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है और हवाएँ भी ठंडी ठंडी लग रही हैं। तो चलें जी, आपको जो है बैक कैमरा के थ्रू और भी बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे। अभी जो है खाली सिर्फ मट्टी का तूफान है, आप देख सकते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही ज़्यादा मट्टी का तूफान। ये देखे कुछ दिखाई नहीं दे रही, महसूस हो रहा है। अगर जूम करके मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये जो आप जैसे धूप होती है ना, इस तरह का देख रहे हैं। ये जो है धूल है मिट्टी का, ईंटों से बनती हैं वो नहीं है। और इस तरफ आप देखें ये गन्ने की फसल लगी हुई है और इस तरफ जो है ये कपास की फसल है। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा है, तो आज सोचा कि आप लोग के लिए कुछ बनाएं। बहुत टाइम के बाद आपसे नहीं मिले, तो ये ईद के बाद जो है दूसरा व्लॉग है। और मौसम देखें जी, पानी अभी बिल्कुल भी नहीं है वाटर कोर्स में। और ये जो है चारा लगाई हुई है जानवरों के लिए, और ये जो है तैयार हो चुका है। और गन्ने की फसल, और इसमें जो है कहीं कहीं पे कपास लगने गई है और कहीं पे जो है लगने वाले हैं। और मैं इस मौसम चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त जी। बिल्कुल ही हम नहर के पास पहुंच चुके हैं, ये पीछे नहर देख रहे होंगे। आपको आज जो नहर का भी विज़िट कराएंगे, नहर का भी व्यू आपको दिखाएंगे। तो ये जो है दूसरा छोटा सा वाटर कोर्स जा रहा है, और अभी चलेंगे जी रोड पे, यहीं से हैं। लेकिन ये जो नहर के साथ ही रास्ता है वो तो कच्चा है, उस हवाले से जो है अभी हवा भी चल रही है तो मिट्टी बहुत होगी, तो उसके लिए पहले चलेंगे पक्के रास्ते पे, उसके बाद जो है नहर पे चलेंगे। आपको व्यू भी दिखाएंगे, आपने पीछे
के जो मनाजिर देखे होंगे तूफ़ान के, मैंने बस छोटा सा ही क्लब बनाया आपके लिए, क्योंकि बहुत ही धूल थी मिट्टी की तूफ़ान, तो मैं जो है वो छोटा सा क्लब भी बस आपके लिए रिकॉर्ड किया उस हवाले से। तो आप भी नहर पे भी चलेंगे, और ये जो है वाटर कोर्स है, इसमें पानी जो है इसकी एक वजह और है कि यहीं पे जो है नलका लगा हुआ है, नल जिसे कहते हैं, हैंड पंपिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो लगा हुआ है, तो उस वजह से उसकी पानी भी जो है इस वाटर कोर्स में आ रहा है। तो उसके लिए इसमें पानी है, नहर में भी पानी है, जो ये पक्का वाटर कोर्स जा रहा है उसमें भी पानी है, लेकिन उसमें नहीं था क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, तो उसके लिए किसानों ने अपने खेतों को पानी नहीं दी, तो उस हवाले से जो है पानी नहीं है। तो नहर में चलेंगे, देखेंगे कितना पानी है, क्या हिसाब किताब है। और देखिए जी, अभी हर तरफ ही कपास की फसल हैं, इंशाल्लाह चंद माह के बाद ये भी तैयार हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। अभी जो हैं बैक कैमरा के थ्रू चलेंगे और आपको और भी बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे। जी हाँ जी, हैंड पंपिंग जो मैंने आपको बताया था कि इसी वजह से जो है इस वाटर कोर्स में पानी आ रहा है। और ये देखें कितना धूल जो है, मिट्टी, हवा देखें, वो देखें, तो इस वजह से मैं यहाँ के फंस चुका हूँ। तो चलेंगे भी नहर पे, देखेंगे क्या सिस्टम है क्या नहीं है। हमारे पास रूमाल है और रूमाल से जो है खुद को कान जो है वो ढांपेंगे। देखें यहीं से भी मिट्टी जो है हवा लगने से जो है, ये देखें जी, चलें जी चलते हैं। अभी जी बहुत मेहनत और छुपके जो है आगे मैं नहर पर पहुँच गया हूँ। ये आप पीछे नहर देख रहे होंगे, कितना जो खूबसूरत व्यू है, और एक कैमरा के थ्रू भी आप दिखाएंगे। देखें मिट्टी कितनी है, देखें धूल इस साइड देखें। तो इसके लिए मैं रूमाल अपने साथ लेके आया, बचाव लाजमी है ज़्यादा तौर पे, जो आपको अभी छोटे से क्लब दिखाएंगे और चलेंगे जी पीछे गाँव की तरफ, का भी एंड करेंगे। और जो है अभी मगरिब की टाइम भी होने वाली है कुछ ही टाइम। हमारे जो गांव के पास वाटर कोर्स है उसमें से गुजर रहा है, और ये जो है एक दो सीढ़ी लगी हुई है। और अभी जी मौसम देख, पानी व्यू चेक करें, वाह क्या व्यू है, क्या ज़बरदस्त। और ये व्यू चेक करें जी, बहुत ही आला। और इस तरफ जो है नहर के उस तरफ ये बनाना की फसल है, हमारा गांव सामने ही। ये जो है झोपड़ी है कुछ हमारे चौक पे, कुछ बर्फ की दुकानें हैं, दूध और पत्ते हैं, और इधर जो है पकोड़े की भी शॉप थी, वो अभी जो है सब चले गए तूफान के वजह से। तो अभी गांव चलेंगे और देखें, अभी तक जो है हवा तो ज़बरदस्त है लेकिन मिट्टी भी उसके साथ साथ जा रही है। तो अभी जी गांव चलेंगे, और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, प्यारा सा मौसम। वैसे भी हमारे सिटी का, हमारे साइड का मौसम जो है नाइट में बहुत ही ज़बरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। हमारे साइड रात में जो है बहुत ही सुकून और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। दोपहर में सुबह के टाइम जितनी भी धूप हो 40 से ऊपर क्यों ना जो है गर्मी हो, लेकिन फिर भी जो है रात के टाइम अल्लाह पाक का शुक्र है ठंडी ठंडी हवाएँ चलती हैं। सहूलत नहीं है ट्रैकिंग वगैरह तो, लेकिन वो कैमरा वो रिज़ल्ट नहीं है, नहीं तो मैं आपको रात का भी मनाजर दिखा सकता था।
तो इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे, अगर हुआ तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। बहाल भी जो हैं बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, तो अभी गांव जा रहा हूं, तो नमाज़ भी पढ़ेंगे मगरिब की और देखेंगे क्या सिचुएशन है, ब्लॉग का भी एंड करेंगे। और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, प्यार मोहब्बत ऐसे ही कायम और दायम रहें, तो इंशाल्लाह दिन ब दिन अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। ये देखें जी, वाटर कोर्स में मट्टी पड़ने की वजह से जो है पानी बहुत ही ख़राब हो चुका है, तो यहीं से जो है बंद हैं, तो इस वजह से जो मैंने पहले बताया था कि वाटर कोर्स में पानी नहीं है, वो इसी वाटर कोर्स से होते हुए जो चार्ज वाटर कोर्स है उसमें जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मौसम, बहुत ही आला, इंशाल्लाह अपने दुआओं में भी ज़रूर याद रखना है इस व्लाग को। और आज का व्लाग जो है करते हैं यहीं पे ख़त्म, इसी के साथ मोहम्मद सुलेमान नवाबशाही व्लॉगर को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह तमाम जल्द नेक्स्ट व्लाग में मिलेंगे, आपके खिदमत में हाज़िर होंगे, और इंशाल्लाह आप सपोर्ट करते रहें तो इंशाल्लाह दिन ब दिन आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।